नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिनभर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुल 87.33% विद्यार्थी पास हुए हैं। इनमें से 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के हैं। लड़कियां लड़कों के मुकाबले इस बार 6.01% से आगे रही हैं। छात्राओं का पास प्रतिशत 90.68 रहा है, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 84.67 रहा है। CBSE के 38 लाख छात्र अपने परीक्षा परिणाम को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग के साथ ही अगली सरकार का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इस पर फाइनल मुहर तो 13 मई को नतीजे जारी होने के साथ लगेगी। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम बहुमत के साथ जीतेंगे। एक साल कांग्रेस ने शासन किया जो एक गठबंधन सरकार थी, वे बुरी तरह विफल रहे। डीके शिवकुमार को कल तक 141 सीटों के बारे में सोचकर खुश रहने दो। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने बोम्मई के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक व्यवहारिक जमीनी आदमी हूं, हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आई डोंट सी, आई एम ए प्रैक्टिकल ग्राउंडेड मैन। वी नो एग्जिट पोल, दे आर देयर ओन थ्योरी। आई डोंट टेल देयर इज रॉन्ग। मेनी ऑफ देम सक्सीडेड, मेनी ऑफ देम हैव फेल्ड। But we don't go by that samples. We don't go by them. Practically, I am a practical man. I have also made 3-4 times of surveys. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. I don't know. I don't want to comment on him. It is his party. It is goodwill. His goodwill. Let them take their own call in the interest of the their party and in the interest of the national scene. I don't want to comment on that. Even I say that there is no chance for Ranga Assembly. We will win with comfortable majority. Okay. And I am very much confident. Let him be happy with 141 till tomorrow. Let us see. Let us have a legislature party. I just saw this thing that Kumaraswamy said he will not become king, he will become king. Then everybody has got his own right to have his own assessment. I don't want to comment on other party leaders' assessment. गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सभी लाभार्थियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशेष तौर पर उन बहनों को जिन्हें आज अपना पक्का घर मिला है। गुजरात में फिर से भाजपा सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो गति पकड़ी है उसे देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केडल स्टोरी फिल्म को देखा। इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्त सेन, अभिनेत्री आदा शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। बता दें कि फिल्म द केडल स्टोरी के निर्माता निर्देशक की टीम ने बीते दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा भी की थी, साथ ही कैबिनेट के साथ फिल्म देखने का फैसला किया था। ये फिल्म केरल में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किए जाने पर आधारित है। फिल्म की टीम ने मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा भी की थी, साथ ही योगी सरकार के लव जिहाद व धर्मांतरण को रोकने को लेकर बने कानून व कार्रवाइयों की सराहना की थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक आयुक्त ने सबसे बड़ी और अलग तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया।
राजधानी भोपाल में मारे गए छापे में संविदा नौकरी कर रही महिला सहायक इंजीनियर हेमा मीणा करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन निकली। 13 साल की नौकरी में जितनी सैलरी नहीं मिली उससे करीब 300 गुना अधिक की संपत्ति हेमा मीणा के पास से जब्त हुई है, जिसमें 150 देशी विदेशी नस्ल के कुत्ते, रोटी बनाने के लिए 2.5 लाख की मशीन, घर में 30 लाख की टीवी, थार समेत 20 लग्जरी कारें, 1 करोड़ में बनवाया गया बंगला, खेती में काम आने वाले लाखों के इंस्ट्रूमेंट मिले। मीणा के खिलाफ 2020 में आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। जांच टीम का कहना है कि हेमा मीणा तो सिर्फ मोहरा नजर आ रही है, संभवतः उसकी किसी अन्य अधिकारियों से भी पार्टनरशिप उजागर हो सकती है। कार्रवाई में और भी नाम सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं सिर्फ संसदीय विधायी परंपरा को जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा। राज्यपाल के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वे अपनी मनमर्जी करें। अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो तो क्या वो सही बात है? आप मान सकते हैं, हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की, इस वक्त की बात, वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको, उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ, और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूं नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूं और विधायी परंपराएं जानता हूं, उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तो मत दो इस्तीफा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के स्तर पर संतोष व्यक्त किया। हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने हसीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दी। जयशंकर ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित की। भारत का बांग्लादेश समेत इसराइल, सऊदी अरब, मिस्र जैसे मुस्लिम देशों से संबंध लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है, मगर पड़ोसी पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तमाम मुस्लिम देशों में भारत की घनिष्ठता देख पाकिस्तान को परेशानी के साथ पसीना भी होने लगा है। यूक्रेन युद्ध अब नए स्तर पर पहुंचने के संकेत। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति शुरू कर दी है। यूक्रेन की लंबे समय की मांग के बाद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। अचूक निशाना लगाने वाली इन मिसाइलों से यूक्रेनी सेना अब रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के भीतरी हिस्से में भी हमला कर सकेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वैलेस ने संसद में कहा, यूक्रेन में रूसी सेना जिस तरह से नागरिकों की हत्या कर रही है उसके हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। रूस ने अपनी हरकतों में हमें यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें देने के लिए मजबूर किया है, इसलिए ब्रिटेन अब पर्याप्त संख्या में स्ट्रॉम शैडो क्रूज मिसाइलों की यूक्रेन को आपूर्ति कर रहा है। मई के महीनों में अब गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है। बंगाल से बिहार जैसे कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवर्ती तूफान मोका तेज हवा होता जा रहा है। मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना तूफान बहुत भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ते हुए आगे बढ़ सकता है।
ये पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार तट की ओर बढ़ेगा। इससे कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। विश्राम मौका बांग्लादेश और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लैंडफॉल करेगा। इसके कॉक्स बाजार और कंपियो के बीच 14 तारीख की सुबह कहीं भी टकराने की उम्मीद है। विभाग कार्यालय ने मछुआरों, जहाजों, नाव और ट्रायलों को रविवार तक मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। बंगाल की मध्य खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में नौकायन करने वालों को तट पर लौटने की सलाह दी गई है। IMD ने कॉक्स बाजार के पास बांग्लादेश के निचले तटीय क्षेत्र के लिए 1.52 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया जा रहा है। Now it is about moving with a speed of 9 km per hour in northward direction during last 6 hours. We are expecting it is very likely to recurve in north-northeastward direction and very likely to further, there are chances of further intensification. Also, it is likely to cross Bangladesh near Cox's Bazar and Myanmar, that is Soite region, particularly during the 14th, noon hours of 14th, and during where the peak intensity will be around wind speed, that is particularly around 150 to 160, gusting up to 175. During this particular period, the cyclone will likely to be make landfall as a very severe cyclonic storm. Under its influence, also we are expecting some damage particularly for northeast states, particularly Tripura, South Mizoram and Manipur. These states likely to get some affected because of this system. Also, wind speed currently inside the sea is around 125 to 135 km per hour. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री ने निर्माता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के मुताबिक प्रोड्यूसर असित मोदी और क्रू के कुछ सदस्यों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले पर मुंबई पुलिस ने बताया कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। हमने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं अभिनेत्री के लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर असित कुमार मोदी ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो मुझे और शो दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि हमने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है, इसलिए वो ये आधारहीन आरोप लगा रही हैं। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।